So hello everyone, and let's start my journey from scratch of 7 days before board exams. So I decided to like very much hard work. I was ready to do all the hard work as I wanted to score good at the last. So yeah, I started with English. So pure saal I have not studied that subject very seriously. So I took it out and give 3 hours एवरी डे टू इट. एंड स्टार्टिंग के मेरे 3 आवर्स उसमें होते थे, जैसे अगर मैं 6 बजे जगी हूँ तो मैं 9 बजे तक कंटिन्यूसली इंग्लिश ही पढ़ती थी. एन सी आर टी रीड करना हो, किसी का फॉर्मेट रोज लिख कर देखना हो, जितने भी सिलेबस था उसको मैंने रोज कंप्लीट करने की कोशिश कर रही थी. उसके बाद मैं एक दिन फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर फिजिक्स और बायोलॉजी लेने की कोशिश करती थी. फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत कम भी रखती थी क्योंकि 7 डेज थे ज़्यादा थी, लेकिन मैं फिजिक्स केमिस्ट्री एक साथ रखना नहीं बिलीव रखती थी. केमिस्ट्री पढ़ रही थी, एक एक यूनिट एक एक चैप्टर एक एक दिन में ख़त्म कर रही हूँ. तो फिर भी हमारे केमिस्ट्री में 10 चैप्टर्स थे और मेरे को सिर्फ 7 डेज बचे थे. सो आई जस्ट स्टार्टेड रिवाइजिंग आउट. तो सिलेबस 12th का कभी भी ख़त्म नहीं होता है, लेट मी क्लियर आउट. सबका कुछ ना कुछ छूट जाता है, दैट इज़ हाउ इट इज़. सबका सिलेबस छूटता है, इट्स नॉर्मल. एंड आप भी जा सकते हो 7 डेज में अगर आप पढ़ सकते हो. यार पता नहीं, मैंने पूरे साल ढंग से तो नहीं पढ़ा था बहुत सीरियसली होके, लेकिन 7 दिन में मेहनत करके मेरे 90+ तो आ गए थे. क्या आप भी ला सकते हो? क्या आप तैयार हो उन 7 डेज की मेहनत के लिए? उस दिन मैंने ये नहीं सोचा था कि कब रात हो रहा है, कब दिन हो रहा है, और फिर क्या मुझे खाना है क्या मुझे नहीं खाना है. वॉज नॉट एट ऑल, मुझे नहीं पता था. आई वाज जस्ट स्टडिंग होल डे होल नाइट एंड देयर वॉज नो टाइम लिमिट. तब मेरे पास कोई टाइम लिमिट नहीं थी. तो क्या आप लोग तैयार हो इतने हार्ड वर्क के लिए? कमेंट करके बताएं.